सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं और मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। जो हमारा एग्ज़ाम है रिंकर का, जो जिसमें लगभग सभी डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो उसी कड़ी में मैंने आज जो मैं सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो है ज्वाइनिंग टाइम बोलते हैं इसको, कार्यग्रहण अवधि। तो ये मास्टर सर्कुलर नंबर 6 है और अपडेटेड जो निकाला रेलवे बोर्ड ने 2019 में निकाला है ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर। आरबी नंबर है 137/19 21/8/19 को। ज्वाइनिंग टाइम के बारे में मैं पहले एक बात बता दूं आप लोगों को, कईयों को मैंने देखा इसमें क्लियर नहीं है इसमें कि कई लोग इसको ज्वाइनिंग टाइम लीव बोलते हैं, कोई ज्वाइनिंग लीव बोलते हैं। मैंने मैक्सिमम देखा है, मुझे जहां तक जानकारी है, रेलवे में शायद 1% लोग ऐसे होंगे जो ज्वाइनिंग टाइम को ज्वाइनिंग टाइम बोलते हैं। बाकी मेरे जो जानकारी है उसके हिसाब से जो मैक्सिमम 99% जो लोग हैं, इंक्लूडिंग ऑफिसर, इंक्लूडिंग पर्सनल ऑफिसर, इंक्लूडिंग पर्सनल डिपार्टमेंट के जो मैक्सिमम लोग हैं जो डील करते हैं सब्जेक्ट को, वो इसको या तो ज्वाइनिंग लीव बोलेंगे, मैक्सिमम लोग ज्वाइनिंग टाइम लीव बोलेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ाई हम कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट रूल के हम अंदर जब हम ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करेंगे एग्जाम में, हमको इस्टेब्लिशमेंट रूल को समझना पड़ेगा। आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते जाओ, मैं नहीं समझता कि उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपको सही में सक्सेसफुल होना है पीयू एग्जाम में, तो मेरा जो मानना यह है कि इवन अगर डील भी करना आपको, वो सही डील तभी कब कर पाओगे किसी भी फाइल को, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, जब हम उस सब्जेक्ट को सही तरह से हम समझ पाएंगे इसको। और सही तरह से समझ में तब पाएंगे जब पहले तो कोई भी जब सब्जेक्ट डील करते, उसका सही नाम क्या है, उसका सही स्प्रिट क्या है, उसकी रूल को पढ़ना समझना। तो मेरी तो आदत है, अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, कि मैं हमेशा रूल को सही तरह से समझता हूँ कि क्या है। और जनरली हम ज्यादा सुनते हैं, सुन सुनाई बात को हम डील करते हैं, वो ठीक नहीं है। उस किसी सब्जेक्ट को जब हम डील करते हैं तो उस सब्जेक्ट के ऊपर क्या नियम है वो जानना बहुत जरूरी है, और सब्जेक्ट का सही नाम क्या है, कहीं वो नाम ही मालूम नहीं है सही नाम, तो हम क्या डील करेंगे उसमें। तो खैर मैं बता दूं, ज्यादा इसको लंबा नहीं करूं, कि ज्वाइनिंग टाइम लीव में काउंट नहीं होती वो, क्योंकि अगर काउंट होती तो हमारा जो लीव रूल है चैप्टर 5 IRAC में, चैप्टर 5 है हमारा इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, और उसमें 5 में आता है, ये है चैप्टर 14। पहला क्वेश्चन हमारा अगर तैयारी करें हम कि ये कहाँ पर है, IRA में है कि IRC में है, तो ये है IRAC इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, और पार्ट 1 में है चैप्टर 14, उसके अंदर आता है ये। तो चैप्टर 14 में जो हम इसको दे सकते हैं आप चाहे दिल में, लेकिन उसके ऊपर चैप्टर 14 में जितने पैराग्राफ्स हैं उससे इसमें थोड़ा ज्यादा मुझे मिला, तो मैंने कहा कि चलो आपको अपने मास्टर सर्कुलर पढ़ा देते हैं। तो पहला तो जैसे मैंने बता दिया कि ज्वाइनिंग टाइम लीव नहीं है, ये सिर्फ ज्वाइनिंग टाइम है, कार्य ग्रहण अवधि, यहाँ में आप देख लीजिए कार्य ग्रहण अवधि, ये इसका शुद्ध नाम है, कहीं छुट्टी नहीं बोला है। तो लीव रूल नहीं है, लीव रूल के नियम इसमें लागू नहीं होंगे। सबसे पहले ये हम समझ लें, रेलवे बोर्ड ने एक कंपाइलेशन बनाया है, उसको पहले से पहले जो निकाला था कंपाइलेशन वो 1990 में निकला था। अब आता है क्या है ये एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन, ज्वाइनिंग टाइम इज ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट ट्रांसफर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट टू एनेबल हिम टू ज्वाइन ए न्यू पोस्ट आइदर एट द सेम स्टेशन और एंड एट ए न्यू स्टेशन। दैट मीन्स ये ज्वाइन टाइम जो है ये उस रेल कर्मचारी को दिया जाता है जिसको पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर किया गया हो, मतलब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट में ट्रांसफर किया हुआ है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है उसके तहत, प्रमोशन में या नॉर्मल ट्रांसफर, रूटीन ट्रांसफर है, पेरिडिकल ट्रांसफर है, कई तरह के ट्रांसफर होते हैं, इंक्लूडिंग प्रमोशन में भी ट्रांसफर होता है, आप विजिलेंस में जाते हैं, इंस्ट्रक्टर में जाते हैं, जो भी जो ट्रांसफर्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे हो, पब्लिक इंटरेस्टमेंट हो, उसमें ज्वाइन टाइम दिया जाता है। नंबर 2 इसमें आ रहा है 2.2, ज्वाइन टाइम इज नॉट एडमिसिबल टू रेलवे सर्वेंट फॉर टेम्पररी ट्रांसफर, ओनली द एक्चुअल ट्रांजिट टाइम इज एडमिसिबल इन द केस ऑफ जर्नी ऑन टूर विल बी अलाउड। लिखने में वो सिंपल है, टेम्पररी ट्रांसफर में नहीं मिलता है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कि जब पहले तो सब कईयों को डाउट है कि टेम्पररी ट्रांसफर होता क्या है। टेम्पररी ट्रांसफर के बारे में बता दूं कि थोड़ा सा लोगों का मिसकंसेप्शन यह है कि कोई नॉर्मली, ये तो शायद आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम कितने टाइम तक हम टेम्पररी ट्रांसफर किसी का कर सकते हैं, तो SOP में कई जगह 180 दिन लिखा हुआ है। तो नॉर्मली जो टेम्पररी ट्रांसफर होता है अप टू 180 डेज ही होता है। लोगों को ये गलत फहमी है कई बार, कि कई बार जैसे सरकारी तंत्र है, टेम्पररी ट्रांसफर कर दिया फिर भूल जाते हैं लोग, तो वो आदमी 6 महीने के बाद 8 महीने काम करता रहा, 10 महीने करता रहा, आगे भी करता रहा,
तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली कोई भी ट्रांसफर है वो टेम्परेरी अगर है तो टेम्परेरी रहेगा, अगर वो जब तक उसको परमानेंट नहीं किया जाए तो लोगों उसको डीम्ड मान जाते हैं कि नहीं परमानेंट हो गया है, मैंने कई बार से सुनी वो सही नहीं, जब तक टेम्परेरी ट्रांसफर परमानेंट नहीं होगा तो वो टेम्परेरी रहेगा। तो टेम्परेरी ट्रांसफर में जैसे बताया जो भी टाइम नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, तो टेम्परेरी ट्रांसफर में कोई कर्मचारी का जैसे मान लीजिए अहमदाबाद है, अहमदाबाद से हमने बड़ौदा किसी का ट्रांसफर किया है तो टेम्परेरी ट्रांसफर में वो टीए मिलेगा उसको, जिसको हम डेली अलाउंस भरते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस जनरल हम भरते हैं, तो उसको डीए डेली का मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम है, आप जान लीजिए। ट्रेवलिंग अलाउंस का एक नियम है कि हम किसी भी कर्मचारी को जो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड चैप्टर 16 है उसके तहत मैक्सिमम टी हम किसी को कर्मचारी को देते हैं एट ए पर्टिकुलर स्टेशन, वो होता है 180 डेज। यानी यहाँ से अहमदाबाद से आदमी बड़ौदा गया तो अप टू 180 डेज उसका टी रहेगा, वो 100% फुल मिलता है, उसके बाद जीरो। उसके बाद अगर 7 महीने 8 महीना साल भर आप बोलोगे सर मैं तो रह रहा हूँ मेरा खर्चा हो रहा है, कोई डिस्कशन नहीं, रेलवे हम जो भी काम करते हैं रेलवे बोर्ड ने जो पॉलिसीज बताई है हमको सीधा फॉलो करना है, सिंपैथी या उस ग्रांड पे कोई पॉलिसी नहीं। आपको एम्प्लॉय की ड्यूटी बनती है कि 6 महीना होता है तो वो बात करें, टेम्परेरी ट्रांसफर के दौरान जो जाएगा अगर मान लो 6 महीने रहा हो लगभग कंटिन्यू, उस दौरान हम उसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं देंगे। ये भी बता दूं अगर वो 1 तारीख से ही गायब है, अगर 31 तारीख को निकल गया तो 1 तारीख से नहीं मिलेगा, लेकिन 31 को उसने ऑफिस ज्वाइन किया है, सॉरी 1 तारीख को, 1 तारीख को ज्वाइन किया ऑफिस काम किया और 1 तारीख को रात को जा रहा है, तो ऑब्वियसली चूंकि 1 दिन में उसने ज्वाइन कर लिया उस महीने, तो उस महीने का हम ट्रांसपोर्टेशन देंगे और आगे का नहीं देंगे, ये आप बता दो। और जब तक वो वहां रहेगा बड़ौदा में जहां भी जैसे मैं बताया कि अलग स्टेशन पे रहा तो उसको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा, टी अप टू 180 डेज मिलेगा। और 180 डेज के बाद अब क्वेश्चन में बताया सर 180 डेज के बाद मान लीजिए 8 महीने रहा 10 महीने रहा तो 180 डेज के बाद ना तो टीए मिलेगा और ट्रांसपोर्टेशन तो हमने बंद कर रखा है वो मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज मैं आपको बता दूं कि टीए की बात निकली तो एक चीज और मैं बता दूं आपको, जानकारी थोड़ी सी मुझे है इसमें। जैसे मैंने बताया कि अहमदाबाद से बड़ौदा किसी का ट्रांसफर किया सॉरी टेम्परेरी ट्रांसफर किया है, तो लोगों की गलतफहमी ये होती है कि बड़ौदा में उसकी जो पोस्ट है वो इस प्रकार की होती है कि उसको वहां मूवमेंट करना पड़ता है। बड़ौदा से जैसे मान लो ए से बी स्टेशन ट्रांसफर किया और टेम्परेरी ट्रांसफर किया और बी से उसको सी करके आ रहा है, फिर डी किया, फिर आया वहां 2 दिन 4 दिन 5 दिन गया तो टीए लेता रहेगा वो। तो इसमें एक चीज बता दूं, बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा कि जो टीए पर्पस में जो काउंटिंग होती है वो एक बार आपने किसी कर्मचारी को एक स्टेशन से बी स्टेशन भेजा है, बी से फर्दर उस सी जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, डी जा रहा है, फर्दर वापस आ रहा है, ये डी से सी से बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, फिर घूम फिर के फिर बड़ौदा आ गया क्योंकि टेम्परेरी हेडक्वार्टर उसका वही है। तो आपको टीए पर्पस में जो 180 डेज काउंट करना है वो आपको अहमदाबाद से जो बंदा गया बड़ौदा वही काउंट होगा, एक बार 180 डेज हो गया इसका, उसके बाद फर्दर भी जा रहा तो उसका टीए भी नहीं मिलेगा। तो एक बार 180 डेज एक बंदा गया ए से बी स्टेशन गया और वापस उसको 180 डेज आना पड़ेगा अगर आगे टीए लेना है, नहीं आता है तो आगे का टीए भी उसको नहीं मिलेगा। और एक चीज लोगों को और गलत फहमी है कि ब्रेक टीए में ब्रेक को मानते हैं, तो मान लीजिए अहमदाबाद से बड़ौदा किसी का टेम्परेरी ट्रांसफर किया और ऑब्वियसली वहाँ 6 महीने तक उसको टीए मिलता ही है उसको, तो 6 महीने के दौरान ऑब्वियसली आदमी छुट्टी लेता है, सीएल एलएपी कई बार 15 दिन की एलएपी ले लेते हैं, महीने भर की लेते हैं, तो टीए के पर्पस में ब्रेक इसको ब्रेक नहीं माना जाएगा। अगर आपने बड़ौदा में किया आपको ब्रेक करना है जो 180 डेज का है, तो आपको वापस एक बार ए स्टेशन से बी स्टेशन गया है तो बी स्टेशन से वापस आप ए स्टेशन पे जब तक नहीं आओगे, आके आपने ड्यूटी नहीं की वो ब्रेक नहीं माना जाएगा, आपने बी स्टेशन पे ही ब्रेक ले लिया है छुट्टी ले ली उसको ब्रेक नहीं माना जाएगा। और इसके कई लोग ऐसा करते हैं और ब्रेक मानते हैं और टीए लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जनरली डिवीजन ऑफिस में जो टीए का पेमेंट होता है या एडमिनिस्ट्रेशन भी वो देखती है कि टीए या अकाउंट्स मैंने देखा है वो क्या करती है कि टीए चेक करती है 180 डेज कंटिन्यू, अगर आपको 30 दिन या 31 दिन का कंटिन्यू टीए आ रहा है तो वो 180 दिन का ब्रेक करती है, लेकिन जहां आपने छुट्टी ले लिया तो एक ब्रेक हो जाता था, लोगों को ये लगता है कि ब्रेक हो गया इसलिए अकाउंट्स भी ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, पर्सनल डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन, लेकिन वो तो ये गलत है, कभी विजिलेंस ने चेक किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने विजिलेंस में काम किया है तो मैंने उसमें काफी केसेस बनाए हुए हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ब्रेक बी स्टेशन का ब्रेक नहीं माना जाएगा, आपको वापस हेडक्वार्टर पर आके ड्यूटी करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 1 दिन करनी पड़ेगी तो वो ब्रेक माना जाएगा। तो ये टीए इसके कनेक्शन में जो ट्रांसपोर्ट सॉरी टेम्परेरी ट्रांसफर के बारे में जो गलत फहमी है लोगों को, तो मैंने मनका बता दूँ जो बात निकली है, तो टेम्परेरी ट्रांसफर में ज्वाइनिंग टाइम ही मिलेगा उसमें, और सीटीजी भी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट का बता दूँ कि टेम्परेरी ट्रांसफर में कईयों को डाउट होता है कि कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगा कि, तो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट भी जब तक परमानेंट ट्रांसफर नहीं हो वो नहीं मिलेगा। 2.3 हमारा है, ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट एडमिसिबल टू रेलवे सर्वेंट ट्रांसफर एट देयर ऑन रिक्वेस्ट, जो भी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर होंगे इंक्लूडिंग म्यूचुअल ट्रांसफर, तो
उस पे आपको ज्वाइन टाइम नहीं मिलेगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि कमेंसमेंट ऑफ ज्वाइन टाइम, ज्वाइनिंग टाइम की शुरुआत कब से होती है। तो उसमें लिखा हुआ है ज्वाइन टाइम कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ रिलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज ऑफ द ओल्ड डिस्पोज्ड इफ द चार्ज इज मेड ओवर इन द आफ्टरनून और ऑन फॉलोइंग डेट इफ द चार्ज इज मेड ओवर इन द आफ्टरनून। यानी अगर कोई कर्मचारी है वो अपना चार्ज छोड़ता है बिफोर नून, तो उसी दिन से ही उसका ज्वाइनिंग टाइम चालू हो जाएगा, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जो भी है। लेकिन अगर आफ्टरनून चार्ज देता है, जनरली मैंने देखा आफ्टरनून करते हैं, बिफोर नून बहुत मैंने कोई देखा नहीं, जनरली उस दिन के बाद आफ्टरनून निकलता है, तो जनरली नेक्स्ट डेट से जो है उसका चार्ज छोड़ा जाएगा, तो वहां से काउंट होंगे 10 दिन। इसमें बीच में मैं कुछ जगह चला था, लोगों को डाउट आया था कि ज्वाइन टाइम हम कितने दिन में अवेल कर सकते हैं, कोई बोला 6 महीना। तो ये एक बहुत बड़ा जो मैं इसमें क्लियर कर दूं लोगों को गलतफहमी कि ज्वाइनिंग टाइम जो होता है उसकी डेफिनेशन ये है कि आपने कार्य को जो ड्यूटी है अपना जो चार्ज को रिलिंक्विश किया और उसके बाद आपने चार्ज वापिस नई जगह जाके चार्ज जो है टेक ऑन ओवर कर दिया। ये जो चार्ज रिलिंक्विश करना, चार्ज छोड़ना और चार्ज टेक ऑन करना, बस यहाँ आपका ज्वाइन टाइम खाने खत्म हो गया। एक बार आपने कहीं भी किसी भी नए पोस्ट पे, नए स्टेशन पे, नए ऑफिस में आपने कार्य ज्वाइन कर लिया, आपका ज्वाइन टाइम खाने खत्म हो जाएगी। उसके बाद ज्वाइन टाइम की आप बात मत कीजिए प्लीज, उसके बाद ज्वाइनिंग टाइम बिल्कुल अस्तित्व ही खत्म हो गया आपका। अब उसके बाद इश्यू ये आता है, लोगों को पूछते हैं कि सर ज्वाइन टाइम अगर हमने अवेल ही नहीं किया तब क्या होगा। तो जैसा सबको मालूम चीज तो कि ज्वाइन टाइम अगर अवेल नहीं होता दैट इज डीम्ड टू बी कन्वर्टेड इन द लीव अकाउंट। अगर आपने अगर मान ली एक तुरंत अगले दिन ही ज्वाइन कर लिया तो आपकी 10 दिन जो भी 12 दिन 15 दिन मिलती है पूरी पूरी LAP में कन्वर्ट हो जाएगी। और आपने कुछ अवेल कर लिया 2 दिन 5 दिन, तो रिमेनिंग जो पार्ट है वो जो है आपका LAP में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें लोग पूछते हैं कि कितने दिन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो कई लोग बोले 6 महीने में कन्वर्ट हमको अब ऐड करा देना है, कोई बोला साल भर, इसमें कहीं कोई नियम नहीं है कब तक होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, आप जॉब कहीं और कर रहे हैं, क्रेडिट करना है काम पर्सनल डिपार्टमेंट का होता है, तो जनरल पर्सनल डिपार्टमेंट को तो मालूम चलेगा ना आपने ज्वाइन कब किया, आपने ज्वाइन टाइम लिया नहीं लिया, कितने दिन लिया। तो ऑब्वियसली मेरा ये मानना है कि जब आप नई पोस्ट को रिज्यूम कर लेते हैं तो रिजम्पशन रिपोर्ट, जैसे मैं आपको बता दूं थोड़ी सी बात जानकारी के लिए, कि अक्सर प्रमोशन के मामले में इंक्लूड होता है कि लोग प्रमोशन में ज्वाइन कर लेते हैं और आराम से ज्वाइन करके आराम से काम करते रहते हैं, वो चीज ठीक नहीं है, स्पेशली प्रमोशन, बाकी बाकी मैं भी बता रहा हूँ। तो जैसे आप कई नई जगह पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो आप जो है नई जगह स्पेशली प्रमोशन में जब ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको CTG भी मिलता है उसमें, तो आपको ऑप्शन वाला बात आता है कि आपको प्रमोशन में ऑप्शन लेना। तो ये सब चीजें जाते ही आप सबसे एक काम कीजिए, 2-4 दिन में आप टाइम निकाल के, क्योंकि तो ऑप्शन के नियम है फिर लोग कि 1 महीने के अंदर आपको ऑप्शन देना प्रमोशन में, तो लोग भूल जाते हैं। CTG का एक नियम है जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, 6 महीने आपको क्लेम करना है सर्विंग एम्प्लॉय के लिए, तो हम भूल जाते हैं, फिर बाद में हम सोचते रहते हैं, फिर कंप्लेन करते रहते हैं, फिर ग्रीवेंसेस सेल में डालते हैं, सर हमारा नहीं हुआ, लेट हो गया। तो आपसे बस ये मेरा तो ये सजेशन है कि क्योंकि आप सरकारी तंत्र में रहते हैं तो कुछ काम सिस्टमेटिक करेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। तो आप जैसे ही ट्रांसफर होता है स्पेशल प्रमोशन पे, तो आप इमिडिएटली जाते ही आप एक एप्लीकेशन लिखिए कि सर मैंने इतने दिन की जो अवेल कर ली है ज्वाइन टाइम या नहीं किए तो मेरा एक क्रेडिट किया जाए, जितना भी है वो एप्लीकेशन करिए। अगर आपका प्रमोशन हुआ है तो उसमें आप ऑप्शन की बात लिख दीजिए, फिर आप CTG अगर मिलेगा कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट तो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, ये जो भी फॉर्मेलिटीज आप कर दीजिए, तो फिर आपको इश्यू नहीं आएगा अगर हमें नहीं रह गया तो, ये करके तो फिर बाद में समस्या नहीं आएगी क्रेडिट हुआ कि नहीं। दूसरी एक इश्यू ये भी आता है कि ज्वाइन क्रेडिट तो हो जाएगी, लेकिन मैंने कई बार लोगों को देखा है कि ज्वाइन करने के बाद नई प्लेस पे फिर वो ज्वाइन टाइम लेते हैं, मस्टर में लिखते हैं ज्वाइन टाइम लिखते हैं, कोई ज्वाइनिंग लीव लिखता है। तो एक बार आपने ज्वाइन कर लिया नई प्लेस पे उसके बाद आपको ज्वाइनिंग टाइम या ज्वाइनिंग लीव नहीं लिखना है। मान लीजिए आपने ज्वाइन किया और आपको सामान शिफ्ट करना है, आपको फैमिली लाना है जो भी, उसके बाद जो आपको मस्टर में लगेगा वो LAP लगेगा, ना कि ज्वाइन, इवन आपने ज्वाइन किया और अगले दिन से ही आप ले रहे हैं 10 दिन छुट्टी सामान शिफ्ट करने के लिए, दैट इज विल बी ट्रीटेड एज नेम एज LAP नॉट ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम आपको तभी लगेगा जब तक आपने नई प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे आपने ज्वाइन नहीं किया, उस दौरान ही आपका ज्वाइनिंग टाइम लगेगा, JT लगेगा, नहीं तो आपका नहीं लगेगा। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया उसके बाद जैसे मैंने बताया कि ज्वाइनिंग टाइम का अस्तित्व खत्म हो गया, आपको LAP लगेगी। और LAP में एक रूल ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास आपके अकाउंट में ऑलरेडी 300+15 है तो आप कहाँ क्रेडिट करोगे, हो गई नहीं।
तो यानी आपका अगर 300+15 ऑलरेडी एलएफबी आपके अकाउंट में है, तो आपका पूरा जो ज्वाइन टाइम 10 दिन हमने नो अवेल किया वो आपका जीरो हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, क्योंकि हम प्लस तो क्रेडिट करोगे नहीं, भरा हुआ पूरा आपका अकाउंट। तो अगर जिसकी 300+15 है तो वो ज्वाइन टाइम लेके ही ज्वाइन करे, 10 दिन सबकी 10 दिन वेस्ट होगी। जिसके अकाउंट में वाली ये भी होता है किसी 300+10 है तो ज्वाइन टाइम 10 मिलती है, सिर्फ 5 ही क्रेडिट हो पाएगी अभी, क्योंकि 15 से ऊपर जाएगा नहीं आपका। तो जितनी भी 300, अगर 315 से जितनी कम होगी उतनी होगी, अगर 300 है ही नहीं तो पूरा आपका 10 दिन 12 दिन 15 दिन जो होगा, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए। अब हम आगे चलते हैं, टाइम एंड प्लेस फ्रॉम विच ज्वाइन टाइम कैलकुलेट, कहाँ से कैलकुलेट करती है, मैंने वैसे बता दिया आपको, काफी भी हम पढ़ लेते हैं। ज्वाइन टाइम विल बी कैलकुलेट इन ऑल केसेस फ्रॉम द हेडक्वार्टर स्टेशन वेयर द रेलवे सर्वेंट वॉज सर्विंग, इंक्लूडिंग केसेज वेयर द रेलवे सर्वेंट रिसीव ट्रांसफर और मेक और चार्ज ऑफ द ओल्ड पोस्ट एट स्टेशन अदर देन हिज ओल्ड हेडक्वार्टर, और वेयर द हेडक्वार्टर इज चेंज टू द स्टेशन टू विच ही हैज प्रोसीड ऑन टूर, और वेयर ही टेम्पररी ट्रांसफर इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट। कोई भी ज्वाइन टाइम होगा वो, जैसे इसमें बताया कि कहीं जहां पर आपका ट्रांसफर हुआ है, तो अब जहां आपका ओल्ड स्टेशन था, ओल्ड हेडक्वार्टर स्टेशन, वहीं से काउंट गया हो, चाहे आप टेम्पररी ट्रांसफर में ऑलरेडी वहां काम कर रहे हो, परमानेंट उसको ऑटोमेटिक कर दिया गया हो, या आप कहीं टूर पे हो, सारी कंडीशन में ज्वाइन टाइम का जो प्लेस होगा वो आपका हेडक्वार्टर स्टेशन, ऑल हेडक्वार्टर स्टेशन ही होगा। नंबर ऑफ डेज एडमिसिबल एज ज्वाइन टाइम, कितने दिन आपको ज्वाइन टाइम मिलेगा उसके बारे में बात की है। 5 नंबर पैरा में 5.1 बोलता है सेम स्टेशन और नो चेंज ऑफ रेजिडेंस। अगर आपका सेम स्टेशन में आपका ट्रांसफर हुआ है, उसी जो जुरिक्शन में आपका हुआ है, या फिर आप जिसमें आपका रेजिडेंस चेंज नहीं हुआ है, तो ऐसे में लिखा हुआ है ज्वाइन टाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू नॉट मोर देन 1 डेज व्हेन द ट्रांसफर इज विद इन द सेम स्टेशन, और वेयर द ट्रांसफर डज नॉट इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ रेजिडेंस फ्रॉम वन स्टेशन अनदर। इसमें लिखा हुआ है कि आपको 1 दिन से ज्यादा आपको ज्वाइन टाइम नहीं मिलेगा, और उसमें अगर आपका सेम स्टेशन पे या आपका जो रेजिडेंस चेंज नहीं होता है, सेम स्टेशन फॉर दिस पर्पस विल मीन द एरिया फॉलिंग विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सेम म्युनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग सच ऑफ द सबर्मन म्युनिसिपैलिटीज, नोटिफाई एरियाज ऑफ कंटोनमेंट एज आर कंटिन्यूस टू द नेम म्युनिसिपैलिटी। यानी सेम स्टेशन में की डेफिनेशन बताई हुई है आपकी सेम म्युनिसिपैलिटी। एक बात मैं इसमें बता दूं आपको कि लोगों को इसमें भी थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि सेम शहर, जैसे अहमदाबाद, बम्बे, बड़ी बड़ी सिटीज होती है, जयपुर वगैरह, सिकंदराबाद भी, तो सेम स्टेशन में मैक्सिमम ट्रांसफर होते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम 1 दिन का ज्वाइन टाइम लें या हमने ज्वाइन टाइम नहीं लिया, तो इसमें लिखा नॉट मोर देन, मतलब 1 दिन ज्वाइन टाइम मिलेगा। तो मेरा इसमें पर्सनल इंटरप्रिटेशन ये, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इनिशियल में मेरा बोलना रहेगा कि जो भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, सारे वीडियोज मेरे बन रहे हैं, ये वीडियो में जो बोल रहा हूँ, ये सारा सिर्फ मेरा इंटरप्रिटेशन है, मेरे व्यूज है, मेरे ओपिनियन से, इसको कृपया प्रशासनिक ना माना जाए, ऑफिशियल कैपेसिटी में ना माना जाए, तो मेरे व्यूज गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे जो व्यूज बस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो मोड, कई बार मैंने देखा क्वेश्चंस में भी कई लोग बनाते हैं तो लिखते हैं कि आपको सेम सिटीज में कितने दिन का ज्वाइन टाइम मिला, कई लोग 1 दिन बोलते हैं, तो मेरा उससे 1 दिन नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि 1 दिन का मतलब होता है कि आज आपने चाहता है हैंड ओवर किया है तो आपको कल ज्वाइन करना है, एटलीस्ट कल इवनिंग तक आपको ज्वाइन करना है। जैसे आपको, जैसे आपका आज आफ्टरनून आपने रिलीव किया, चार्ज रिलीव, वो तो 1 दिन, नॉट मोर देन, मतलब आपको अगले दिन नहीं जाना है, तीसरे दिन नहीं जाना आपको, तो आपको मतलब कल आप किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए तो कल शाम को आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आपको ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं कि आपने आए और बोला कि मैंने ज्वाइन किया, आप मुझे 1 दिन का जो है एलएपी क्रेडिट कर रहे हैं मेरे को, जिसमें मेरे हिसाब से क्रेडिट करने का प्रोविजन नहीं है। इसमें से ये क्या है, इसमें एक मना किया है कि 1 दिन से ज्यादा ना ले, यानी आप आज आप चार्ज हैंडो रिलिंक्विश कर रहे हैं तो कल आप ज्वाइन कर लें, ऐसा नहीं कि परसों तरसों कभी आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसमें मेरा ये मानना है कि ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। चेंज ऑफ स्टेशन एंड रेजिडेंस, इफ ट्रांसफर इन्वॉल्व चेंज ऑफ स्टेशन एंड चेंज ऑफ रेजिडेंस, द रेलवे सर्वेंट इज एंटाइटल टू ज्वाइन टाइम विद रेफरेंस टू डिस्टेंस बिटवीन ओल्ड हेडक्वार्टर एंड द न्यू हेडक्वार्टर बाय द डायरेक्ट रूट और ऑर्डिनेटेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज गिवन बिलो। इसमें बताया कि अगर आपका चेंज ऑफ स्टेशन होता है आपका, और चेंज ऑफ रेजिडेंस भी इंक्लूड है, तो आप ज्वाइन टाइम के हकदार हैं विथ रेफरेंस टू डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड हेडक्वार्टर एंड न्यू हेडक्वार्टर। मतलब आपका जो ओल्ड हेडक्वार्टर होगा और न्यू हेडक्वार्टर के बीच में जितना किलोमीटर रहेगा, उस किलोमीटर के आधार पर आपका जो है आपका आपको ज्वाइन टाइम मिलेगा। अगर 1,000 किलोमीटर और लेस,
इसमें क्वेश्चन बन सकता है कन्फ्यूज करने के लिए, कई बार एग्जैक्ट 1,000 किलोमीटर, एग्जैक्ट 2,000 किलोमीटर, एग्जैक्ट 3,000 किलोमीटर करते हैं तो कितना है, तो ये जरा इसको समझ लीजिए कि सिर्फ हल्का सा दिमाग में बैठे कि 1,000 के आसपास 10 है, तो 1,000 मतलब 999 है कि 1,000 है, ये 1,001 वाले क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इसमें मैं बता दूं आपको थोड़ा जोर देके कि आपको 1,000 किलोमीटर और लेस, यानी अप टू 1,000 किलोमीटर 10 देना है, ठीक है, और मोर देन 1,000 किलोमीटर मतलब 1,001 किलोमीटर, 1,001 किलोमीटर से अप टू 2,000, यहाँ मोर देन 2,000। इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं कि यहाँ 2,000 लिखा है तो 2,000 किलोमीटर में कितना मिलेगा, कई लोग 15 यहाँ चले जाएंगे, यहाँ नहीं आना आपको। बड़ा सिंपल फंडा, इसमें एक अप टू 1,000 यहाँ, अप टू 2,000 यहाँ पे, सॉरी अप टू 2,000 था यहाँ पर, अप टू 1,000 जो है आपको 10 डेज है, 1,001 से लेके 2,000 तक 12 है, और 2,001 किलोमीटर, 2,001 किलोमीटर से लेके 15 दिन है, ये आप थोड़ा सा बैठा लीजिए। मेगा से इस तरह को पढ़ने से थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो आप कागज में लिख दीजिए कि 1 से लेके 1,000 तक यहाँ हो गया, 1,000 से लेके 2,000 किलोमीटर, और 2,001 किलोमीटर से अबव, तो वो ये ज्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए। ऐसा पढ़ोगे तो अभी अभी याद रहेगा, आधा 1 घंटे 3 दिन बाद आप भूल जाओगे, लेकिन अगर आप इसको लिख लोगे 1 किलोमीटर से लेके जो है आपको, सॉरी 1 तो है नहीं, आपका म्यूनसिपल एरिया में जो चेंज ऑफ रेजिडेंस वाला है, फिर हम समझने के लिए लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर से लेके अप टू 1,000 किलोमीटर जो है, इसमें एक्चुअली 1 की जगह 20 लिख दी, बियॉन्ड 20 ही हम पकड़ते हैं, तो 20 किलोमीटर से 1,000 कर लीजिए, और 1,001 से लेके 2,000 कर लीजिए 12 डेज, और 2,001 से लेके अबव कर दीजिए 15 डेज, और 15 इसमें जब मोर देन 2,000 किलोमीटर है उसमें अगर लिखा इन केस ऑफ ट्रेवल बाय एयर, तो मैक्सिमम जो डेज है वो 12 डेज होंगे, जहां तक मेरी जानकारी है। 12 ट्रेवल बाय एयर का मतलब ये नहीं कि आप और हम लोग चला जाए ट्रेवल में, तो मेरे ख्याल से ट्रेवल फैसिलिटी सिर्फ SHG ग्रेड एंड अबव को मिलती है, तो उनके नीचे वालों के लिए नहीं है। एक और क्वेश्चन इसमें बनते हैं काफी इम्पोर्टेंट पैरास में, हॉलीडे प्रिसीडिंग ऑन फॉलोइंग्स, मेरे पास काफी फोन भी आते हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि दो इश्यू होते हैं कि मान लीजिए आपने आज सैटरडे फ्राइडे आपने चार्ज छोड़ा, या किसी भी डे आप चार्ज छोड़ा, और चार्ज छोड़ते ही आपकी अगले दिन छुट्टी आ रही है, हॉलीडे आ रही है, 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी या होली आ रही है, कुछ भी छुट्टी है, 1 दिन 2 दिन, तो क्या रहेगा। और एक होता है कि आपने आज चार्ज छोड़ा और जैसे आपके 10 दिन हो रहे हैं खत्म, मान लिया आज कल मंडे, कल मान लिया आज 10 दिन आपके खत्म हो गए, अब मंडे को आपको छुट्टी आ रही है और ट्यूजडे भी छुट्टी है आपकी किसी वजह से, तो अब आपका क्या रहेगा। तो दोनों केस में बताया है कि अगर आपकी आज आपने चार्ज छोड़ा, वेयर हॉलीडे प्रीसीड द ज्वाइंट टाइम, देयर इज नो नीड फॉर एक्सटेंडिंग द ज्वाइंट टाइम, यानी आज आपने चार्ज छोड़ा, कल और परसों छुट्टी है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको 10 दिन के बाद आपको 11वें दिन ज्वाइन करना है, यानी छुट्टी इनिशियल लेवल पे अगर छुट्टी आती है तो वहां आपको नुकसान होगा। मैं तो बोलूंगा उसी हिसाब से ज्वाइन टाइम एडजस्ट कीजिए कि आपको नुकसान ना हो, और ज्वाइन टाइम के स्टार्ट में या बीच में भी अगर छुट्टी आएगी तो आपको 11वें दिन ज्वाइन करना है, लेकिन आपने ज्वाइन टाइम आज से लिया आपने, और जैसे ही आपके ज्वाइंट टाइम खत्म हो रहा है 11 दिन या 13वें दिन जो भी है या 16वें दिन, तो उसके दिन उस दिन अगर छुट्टी है तो आपकी एक्सटेंड ज्वाइंट टाइम बढ़ जाएगी उतने दिन। मान लीजिए आपने 11वें दिन आपकी छुट्टी है, 12वें दिन छुट्टी आ रही है, या सैटरडे संडे आ रहा है आपका ऑफिस, जैसे हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट है, तो आप सीधे मंडे ज्वाइन करेंगे तो वो आपका एक्सटेंडेड ज्वाइंट टाइम होगा, वो आपको बेनिफिट मिलेगा उसके अंदर। तो ये दोनों का मतलब कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने कहा आपको बता दूं कि सिंपल है, इतना कंफ्यूज होने का नहीं है। कम्बिनेशन विद वेकेशन एंड लीव, ज्वाइन टाइम के साथ जो छुट्टियां हैं या स्कूल स्टाफ को वेकेशन के को जोड़ने के संबंध में क्या नियम बताया हुआ है कि ज्वाइन टाइम कैन बी कंबाइंड विद वेकेशन एंड ऑब्लिक और रेगुलर लीव ऑफ एनी काइंड और ड्यूरेशन। तो ज्वाइन टाइम के बारे में एक्सेप्ट कैजुअल लीव, जिसमें कहा है कि कैजुअल लीव के साथ ज्वाइन टाइम नहीं जुड़ेगा, मतलब आपने ज्वाइन टाइम लिया तो स्टार्टिंग पहले आपका सीए लग के फिर ज्वाइन टाइम, या ज्वाइन टाइम खत्म हुआ फिर आप किसी वजह से 1-2 दिन ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कोई इमरजेंसी आ गया तो आप वजह नहीं कि बाद में सीएल लगा दें, वो नहीं लगेगा आपका। बाकी आप कोई भी छुट्टी ले सकते हो, एनी काइंड ऑफ लीव, और इंक्लूडिंग एनी ड्यूरेशन लिखा हुआ है, यानी ड्यूरेशन भी कितना भी लंबा हो आपका, स्पेशली चाइल्ड के लिए हो या मेटरनिटी लीव लंबी होती है, उसमें भी आपका कहीं ज्वाइन टाइम ऐड कर सकते हैं, आजकल नई आएगी WRIL, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, किसी तरह HLP जो है अपनी HLP सिक लीव जो भी कम्पिटिशन लीव कोई भी लीव हो आपका, उसके साथ ज्वाइन टाइम जुड़ जाता है। एक्सटेंशन और ज्वाइन टाइम लिखा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बताता है, इसमें लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन और ज्वाइन टाइम बियॉन्ड द लिमिट मेंशन पैरा 5.2 कैन
अबाउ कैन बी ग्रांटेड अप टू मैक्सिमम 30 डेज बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डिविजनल रेलवे इन केस ऑफ नॉन रजिस्टर्ड रेलवे सर्वेंट। यानी जो नॉर्मली हमारी 10-12 दिन मिलती 15 दिन, वो किसी वजह से अगर हमको बढ़ानी पड़े तो 30 दिन तक इसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, वो 30 दिन जो रहेगा उसके लिए अप्रूवल एचओडी का चाहिए आपका, या फिर डीआरएम डिविजन में डीआरएम जो लगे अप्रूवल लगेगा। बियॉन्ड 30 डेज चाहिए तो द केस शुड बी रेफर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अगर 30 डेज से बियॉन्ड है तो मैटर शुड बी रेफर टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर देयर अप्रूवल। द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर डीलिंग विद केसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइंट टाइम इज दैट द टाइम फॉर प्रिपरेशन शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 डेज प्लस रीजनेबल ट्रांजिट टाइम प्लस होलीडे। मतलब सरकार ये मानती है, इसके पीछे सिद्धांत ये ज्वाइंट टाइम देने का, कि आपका जो सामान शिफ्ट करने का, जो भी आपका प्रिपरेशन तैयारी करना है, सबको सामान को पैक करना है, खाली करना है, जो भी है वो अगली जगह देखना है, तो उसके लिए एक लमसम मान ले कि 8 दिन उसमें लगता है, प्लस आपका ट्रांजिट टाइम जो लगेगा, प्लस अगर छुट्टी वुट्टी भी आ गई तो ठीक है। इफ एनी फॉलोइंग द एक्सटेंडेड ज्वाइन टाइम वाइल कंप्यूटिंग द ट्रांजिट टाइम अलाउंसेस कुड बी मेड फॉर टाइम अनअवॉइडेबली स्पेंट ड्यू टू द डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट कॉज्ड बाय द स्ट्राइक नेचुरल कैलामिटी और द पीरियड स्पेंट अवेटिंग द डिपार्चर। उसमें इसमें मैं एक बात बोल दूं कि जो एक्सटेंडेड जो बढ़ रही है आपकी नॉर्मल से 30 दिन तक या ज्यादा है, तो ये नहीं कि सर मेरा कोई पर्सनल कुछ काम था, या हमारे घर में कोई डेथ हो गई थी, या हमारी शादी थी। रीजन शुड बी जो होता है वो अनएक्सेप्शन वाला होता है। एक्सेप्शन कैसे होना चाहिए, जैसे स्ट्राइक है, नेचुरल क्लामिटी है, और अभी कोरोना भी चल रहा था, कोरोना की वजह से पूरा ही सिस्टम बंद हो गया। तो मेरा ही मानना है कि एक्सटेंडेड ज्वाइंट टाइम का रीजन होना चाहिए, वो शायद पर्सनल नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो किसी ग्रुप पे आना चाहिए। जैसे आप कोरोना आ गया तो पूरा सिस्टम बंद हो गया, या ट्रेनें बंद हो गई, कुछ पूरा सिस्टम नेचुरल कैलामिटी कुछ आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ऐसा कुछ। जैसे 1997 में गुजरात में भूकंप आ गया था, ऐसा कोई नेचुरल कैलामिटी है या स्ट्राइक है, तो वैसे बहुत बड़ी घटना है जो आप अकेले को प्रभावित नहीं करती हो, सभी को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को प्रभावित करती हो, ऐसे कोई रीजन में हो तो सजेस्ट चाहिए। ये मेरा व्यू है इसमें। क्रेडिटिंग ली अकाउंट विद अनयूटिलाइज्ड ज्वाइन टाइम, ये मैं आपको वर्बली बता चुका हूँ कि वेयर द फुल ज्वाइन टाइम इज नॉट अवेयर ऑफ द नंबर ऑफ डेज ऑफ ज्वाइन टाइम एडमिसिबल टू रेलवे सर्वेंट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 15 डेज रिड्यूस बाय द नंबर ऑफ डेज एक्चुअली अवेयर ऑफ विल बी क्रेडिटेड क्रेडिटेड टू हिज लीव अकाउंट एज एलएपी सब्जेक्ट टू द यूजुअल रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ एलएपी। ये मैंने बताया हुआ है कि जो भी कर्मचारी है जो ज्वाइन टाइम लेगा, अगर नहीं ले पाया वो, तो अवेयर अनअवेयर पोर्शन होगा, अगर बिल्कुल ही नहीं लिया तो पूरा, और जितना भी लिया है तो जो माइनस करके जो होगा उतना मैक्सिमम, उसमें सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 15 दिन मिल सकता है, तो उतना माइनस करके उसके लीव अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट टू द यूजुअल रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ एलएपी, मतलब मैंने जैसे बताया कि अगर किसी के पास 315 ऑलरेडी है तो फिर वो नहीं ऐड हो पाएगा, ये बताया गया है। ऑन डिस्चार्ज ऑफ टेकिंग अपॉइंटमेंट एट अनदर स्टेशन रेलवे सर्वेंट डिस्चार्ज फ्रॉम वन ऑफिस ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड पोस्टेड टू अनदर रेलवे ऑफिस आर एंटाइटल्ड टू ज्वाइन टाइम इफ द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट टू न्यू पोस्ट आर रिसीव्ड बाय देम बिफोर डिस्चार्ज। अगर कई बार क्या होता है, कई यूनिट वगैरह जो है बंद हो जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट पूरा, उस बंदे को जो है कई जगह नई जगह भेजा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है उनका, तो वो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट पे ट्रांसफर होगा। तो उसमें ये बताया कि उनके डिस्चार्ज से पहले अगर उनको ऑर्डर मिलने से पहले अगर उसको ऑर्डर मिल जाते हैं ज्वाइनिंग से पहले, तो ज्वाइनिंग टाइम वहां से पूरा पूरा काउंट किया जाता है। और ये लिखा है इफ अपॉइंटेड आफ्टर डिस्चार्ज द पीरियड ऑफ ब्रेक में बी कन्वर्टेड इनटू ज्वाइन टाइम। अगर आप उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद जो है उसका कन्वर्ट किया है ज्वाइन टाइम, तो विदाउट पे वो रहेगा प्रोवाइडेड द ब्रेक डज नॉट एक्सीड 30 डेज। हालांकि ये बहुत रेयर केस होता है, जनरली इसको हम नहीं करते हैं, हम जनरली तो ज्वाइन टाइम देते हैं। जनरली हमारा जो है अगर यूनिट बंद हो गया है तो ऑर्डर निकलते ही के बाद ही एम्प्लॉय जो शिफ्ट होता है, इसलिए इसको बताने का इतना इम्पोर्टेंस है नहीं। तो रेलवे सर्वेंट हैज ये हो गया, ये जो दूसरा केस है उसमें कहा कि रेयर केस में अगर उसको वहां से रिलीव कर दिया है बिना ऑर्डर निकले, तो ऐसी केस में जो है विदाउट पे रहेगा, इसमें पे मना किया है विदाउट पे रहेगा, ऐसा जनरली हम रेलवे में इम्प्लीमेंट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं उसमें। ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट डैश फोर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द रेलवे ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन और एंड और इंटरव्यू ओपन टू रेलवे सर्वेंट एंड अदर्स। रेलवे सर्वेंट एंड अदर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड परमानेंट प्रोविजनली परमानेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विल बी एंटाइटल्ड टू ज्वाइन टाइम व्हिच विल बी इंक्लूडेड एज क्वालिफाइड सर्विस इन द न्यू जॉब। ट्रांसफर ट्रेवलिंग अलाउंस टीटीए, ये बता दूं फर्स्ट अपॉइंटमेंट का मतलब ये नहीं कि कोई बंदा आरआरबी से आ रहा है, बंदा उसको हम सीधा ही हम उसको ज्वाइन टाइम दे दें,
जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट होते हैं, आरआरबी से आते हैं, उनको ज्वाइन टाइम नहीं मिलता है। ये उन लोगों की बात की है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे स्टेट में है या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके लिए अगर उनका फर्स्ट अपॉइंटमेंट रेलवे में होता है तो उस केस में उनको ज्वाइन टाइम मिलेगा और ट्रांसफर टाइम अलाउंस भी मिलेगा। ट्रांसफर टाइम अलाउंस मतलब कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट ही हो गया। तो टेम्परेरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विद लेस देन 3 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस कंटिन्यूस सर्विस वुड नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर टीटीएस, दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर ज्वाइंट टाइम पे अंडर द। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो आ रहे हैं वो टेम्परेरी हैं अगर, और 3 साल से कम सर्विस है उनकी, तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया है इसमें। ज्वाइनिंग टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइनिंग टाइम पे एंड अलाउंसेस, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ज्वाइनिंग टाइम शेल बी रिगार्डेड एज ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग द पीरियड एंड शेल बी एंटाइटल्ड टू बी पेड ज्वाइनिंग टाइम पे इक्वल टू द पे विच वॉज ड्रॉन बिफोर रिलिंक्वेशन ऑफ द चार्जेस इन द ऑर्डिनेंस। इसमें देखिए मैं आपको बता दूंगा, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कैसे एपी बनना है, कि हम जब पढ़ते हैं तो हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, उसको उतना समझने की कोशिश नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, अभी तो मैंने पढ़ के सुनाया, अगर क्वेश्चन पूछा था ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम एम्प्लॉय विल बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी ऑन लीव ऑन जर्नी पीरियड नन ऑफ द अबव, इस तरह का क्वेश्चन है तो जनरली आदमी क्या करेगा, ऑन लीव ले लेगा, ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन इसमें आप देखो क्या लिखे, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ज्वाइन टाइम शेल बी रिगार्डेड एज ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो ये मैं बता रहा हूँ, एक एक हम सर्कुलर को मैंने आपको उस दिन बताया था हाउ टू बिकम एन एपीओ, कि एक एक जब मास्टर सर्कुलर पढ़ते हैं तो एक एक लाइन का मतलब हमको, ऐसा सब मैं पढ़ता था, मैंने पढ़े हुए सारे, इसलिए मुझे हर चीज समझ में आती है। अब एक एक लाइन को पढ़िए और उस पर रुकिए, आपके यहाँ क्या बोल रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने कोई भी अगर एक लाइन लिखी है, एक शब्द लिखा है, एक एक शब्द को स्क्रूटनी होता है कि इस शब्द की जरूरत है कि नहीं, अगर जरूरत नहीं है तो वो नहीं रखा, तो अगर एक एक शब्द एक कोमा फुल स्टॉप भी रखा है उसमें तो उसकी एक वैल्यू है। इस लाइन की वैल्यू हम जनरली ये पढ़ेंगे ज्वाइंट टाइम में, हम बस पढ़ेंगे हाँ ज्वाइंट टाइम में पे करना है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कोई भी पढ़ेगा पैरा 9 कि ज्वाइंट टाइम पे एंड अलाउंस में भाई हाँ भाई इसमें क्या पे करना है, अलाउंसेस क्या रहेंगे बोलेगा, लेकिन ये नहीं देखेगा हाँ इस पे को ट्रीट कैसे करना है। मैं जस्ट मैं पढ़ के ये जितना आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब ये कि आपको कैसे पढ़ना है किसी सर्कुलर को, तो ज्वाइनिंग टाइम के दौरान एम्प्लॉय को तो ऑन ड्यूटी माना जाएगा, उसको छुट्टी पे नहीं माना जाएगा, ठीक है, पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये बोल रहा है कि शेल बी एंटाइटल्ड टू बी पेड ज्वाइनिंग टाइम पे इक्वल टू द पे व्हिच वाज डन बिफोर रिलिंक्विशमेंट ऑफ द चार्ज ऑफ द पे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे ख्याल बहुत कम लोगों को मालूम है ये लाइन, जो ये लाइन मैं आपको बता दूंगा, एक तो ज्वाइंट टाइम में भी लिखा हुआ, और जितनी भी हम कभी लीव रूल आप जाइए चैप्टर 5 IRC, उसमें जो भी लीव हम ले रहे हैं LAP HAP मेटरनिटी लीव जो भी लीव्स ले रहे हैं, उसमें भी ये लाइन हर छुट्टी में लिखा जाता है कि छुट्टी के दौरान आपका पे क्या रहेगा। उसमें ये लिखा होता है कि छुट्टी में भी, कि छुट्टी में जाने से पहले इमिडिएटली 1 दिन पहले आप क्या पे ड्रा कर रहे थे, वही पे आप एंटायर छुट्टी आप लेंगे, यू विल गेट द पे व्हाट पे यू वुड हैव बीन रिसीव्ड बिफोर गोइंग टू द लीव, एग्जैक्टली दैट पे विल कंटिन्यू ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ योर लीव, ठीक है ना। तो उसमें फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आपका 1 जुलाई को इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है, तो आप 25 जून से छुट्टी गए, तो 25 जून से छुट्टी गए हैं तो आप 24 जून को, 24 जून में जो आपने जो पे लिया है वो पे एंटायर आपका लेगा। आप 10 दिन गए, 15 दिन गए, 1 महीने गए, आपने मेटरनिटी लीव लिया 6 महीने का, आपने प्लस 6 महीने साथ वो दूसरी लीव भी ले लिया 8-10 महीने, तो आपकी 24 जून का जो पे है वो एंटायर लगेगा और आपका इंक्रीमेंट आपका नहीं लगेगा। इंक्रीमेंट कब से लगेगा, इंक्रीमेंट तब लगेगा जब आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, वहां से आपको लगेगा, उतना टाइम का इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। तो ये बता दूं आपको, सिमिलरली ज्वाइन टाइम में भी ऐसा ही है कि आपका अगर 1 जुलाई को या 1 जनवरी को ज्वाइन इंक्रीमेंट पड़ता है, इंक्रीमेंट से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ही आप अगर ज्वाइन टाइम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट प्लेस पे, तो आपको पुरानी पे ही मिलेगी ड्यूरिंग ज्वाइन टाइम, आपका इंक्रीमेंट भी रिलीज नहीं होगा। तो आपको अगर बॉर्डर वाला मामला है तो आप इंक्रीमेंट लेके आप जाइए ताकि आपको हायर पे उसमें मिले। तो ये मैं बता दूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ही विल आल्सो एंटाइटल टू डीएल एंड अलाउंस इफ एनी अप्रोप्रिएट टू द ज्वाइन टाइम पे, इन एडिशन टू ही कैन आल्सो ड्रा कंपनसेशन अलाउंस लाइक हाउस रेंट अलाउंस एज एप्लीकेबल टू द ओल्ड स्टेशन फ्रॉम व्हिच ही वाज ट्रांसफर्ड, ही शैल नॉट बी अलाउड कन्वेंस अलाउंस और परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस। एक तो मैं जो बता रहा था टेम्परेरी ट्रांसफर का, तो उसमें एक बार बता दूं आपको, जैसे टेम्परेरी ट्रांसफर में भी बता दूं, कोई आदमी नई स्टेशन में गया है तो आपके जो अलाउंसेस होंगे टेम्परेरी ट्रांसफर में भी, आपके ओल्ड स्टेशन जो आपका मेन हेडक्वार्टर स्टेशन था आपका, उसी स्टेशन के कनेक्शन में आपको HR है, ट्रांसपोर्टेशन तो मैंने बताया था आपको कि आप वहां से एबसेंट है पूरा महीना नहीं मिलेगा, HR है, और जितने भी दूसरे अलाउंसेस हैं आपको वो आपको
पुराना हेडक्वार्टर्स मिलेगा। इसमें भी ये कहा गया है कि जॉइनिंग टाइम में आपको जो पे मिलेगी वो प्लस अलाउंसेस मिलेंगे, तो आपको पुराने स्टेशन के ही मिलेंगे, ठीक है ना, एचआरए भी आपका, जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे। और इसमें लिखा हुआ इस दौरान आपको शैल नॉट बी अलाउड कन्वेंस अलाउंस और परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस। इसमें कन्वेंस अलाउंस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था अपने अलाउंसेस वाले टॉपिक के ऊपर, तो अभी रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस क्या होता है ये कितने लोगों को मालूम है, मैं बता दूं आपको। परमानेंट देखिए ट्रेवलिंग अलाउंस जो होते हैं 5 तरह के होते हैं। पहला परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस, दूसरा आपका डेली अलाउंस, माइलेज अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग। ये 5 तरह के अलाउंस मिलके आपके बनते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस रूल बनता है। ट्रेवलिंग अलाउंस का मतलब कई लोग सोचते हैं टीए, टीए नहीं होता है, हम जो क्लेम करते हैं वो डेली अलाउंस होता है, लेकिन हम वो टीए टीए बोलते हैं बचपन से और रिटायरमेंट तक, ये टाइम जब तक लाइफ चलती है वही फिर ये रह जाता है। लेकिन मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ट्रेवलिंग अलाउंस रूल के अंदर 5 तरह की, फिर रिपीट कर रहा हूँ, परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, माइलेज अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग। जिसमें जो पहला नंबर का है परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस, क्या होता है ये परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस जो होता है, नॉर्मली कोई कर्मचारी जो होता है वो कहीं बाहर गया बियॉन्ड 8 किलोमीटर जाता है, तो उसको हम टीए देते हैं यानी डेली अलाउंस देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो ड्यूटी होती है वो अक्सर बाहर जाए, जैसे मैंने कन्वेंस अलाउंस का बताया था कि कन्वेंस अलाउंस उसको बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर रेडियस में उसकी जैसे डाक क्लर्क के, डिस्पेच क्लर्क के डाक देता था, तो उसका रोज का काम यही, सुबह आया और मुझसे साइन किया और डाक देने निकल गया, या कहीं कुछ फाइलें देने लग गया या पोस्ट जो भी है, तो कंटिन्यू उसका काम है बाहर घूमना ही रहने का, लेटर देने का, फाइलें लेके जाना है जो भी, तो उसको हम किलोमीटर एग्जामिन करते हैं कि टोटल कितना किलोमीटर वो महीने में जर्नी कर रहा है, उसके हिसाब से कन्वेंस अलाउंस के किलोमीटर के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि इसमें रेट है, उतना अमाउंट उसको दिया जाता है। परमानेंट अलाउंस में भी ऐसा ही है कि अगर किसी जो कर्मचारी है उसमें एक रूल लिखा है कि मोर देन 20 डेज अगर है, अगर उसके यानी 21 दिन है, अगर उसका कोई कर्मचारी अगर 20 दिन से ज्यादा अगर ट्रेवलिंग अलाउंस बाहर ले रहा है, टीए ले रहा है, तो फिर उसको परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस देंगे उसको, तो यानी मिनिमम 21 दिन उसका होना चाहिए उसका, तो अगर टीए ले रहा है तो उसको परमानेंट अलाउंस देने का ये प्रोविजन है। जनरली मैंने देखा नहीं आज तक किसी को परमानेंट अलाउंस देते हुए, काफी सर्विस मेरी होगी, लेकिन ये प्रोविजन है जनरली देने का, इस दौरान उसको परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस भी दिया जा सकता है। नंबर 10 है व्हेन ट्रांसफर ऑर्डर आर मॉडिफाइड। कभी ट्रांसफर ऑर्डर, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एक ट्रांसफर हो गया, आप ट्रांसफर ऑर्डर लेके ड्यूरिंग जॉइन टाइम में चल रहे हैं और अचानक आपको दूसरा ट्रांसफर आ गया। रेलवे सर्वेंट वाइल इन ट्रांजिट ऑन ट्रांसफर इफ डायरेक्ट टू प्रोसीड टू ए प्लेस डिफरेंट फ्रॉम द वन टू विच ही वॉज इनिशियली ट्रांसफर्ड, ही विल बी एंटाइटल टू जर्नी टाइम ऑलरेडी अवेल्ड ऑफ अप टू द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ रिवर्स ट्रांसफर ऑर्डर प्लस ए फ्रेश पेल ऑफ जर्नी टाइम फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द रिवर्स ट्रांसफर ऑर्डर। द फ्रेश स्पेल ऑफ जर्नी टाइम विल बी कैलकुलेट फ्रॉम द प्लेस एट विच ही रिसीव्ड ऑर्डर। यानी कोई कर्मचारी है उसको ट्रांसफर ऑर्डर मिला कि स्टेशन ए स्टेशन से बी स्टेशन, और बी स्टेशन के लिए निकल चुका है रास्ते में, जहां भी हो 5 दिन सपोज हो, उसको मान लीजिए 10 दिन मिलती है, 5 दिन उसको हो गए, 5वें दिन उसको मिलता है कि आपका नहीं बी की जगह सी कर दिया आपका, तो अब आप 5वें दिन तो आपने अवेल कर लिया, तो वो तो मिलेगा मिलेगा, प्लस वो भी नजदीक में ही है, अगर 10 किलोमीटर 10 दिन का मिलना उसको विद इन 1000 है, तो वहां से 5 दिन लेने के बाद फर्दर और 10 डेज उसको मिलेगा, ये बात कही गई है इसके अंदर। केस ऑफ ट्रांसफर एट ऑन रिक्वेस्ट, अगर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है तो क्या करना है, रेलवे सर्वेंट ट्रांसफर एट ऑन रिक्वेस्ट मे बी ग्रांटेड रेगुलरली बाय द कंपनी अथॉरिटी एज मे बी एडमिसिबल अंडर द रूल लीव रूल एप्लीकेबल टू कवर द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ हैंडिंग ओवर चार्ज एट द ओल्ड स्टेशन एंड द डेट ऑफ टेकिंग ओवर द न्यू स्टेशन, प्रोवाइड ही अप्लाई फॉर इट एंड द कंपनी अथॉरिटी इज विलिंग टू सेंक्शन। जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है इंक्लूडिंग म्यूचुअल ट्रांसफर, जैसे मैंने बताया था इनको ज्वाइंट टाइम परमिसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली ज्वाइंट टाइम मिलेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए डिस्टेंस दूर है, जैसे इंटर रेल ट्रांसफर हम जाते हैं, अहमदाबाद से कोई बिहार जा रहा है, साउथ जा रहा है, केरला जा रहा है, तो जाने में 2-3 दिन लगते हैं, और किसी वजह से सामान शिफ्ट भी करना तो उसका उसको 10 दिन लग जाए पूरा शिफ्टिंग करने के लिए, तो ऐसे केस में कहा गया है कि आप अपनी नॉर्मल लीव अप्लाई कर दीजिए, और तो आपको कंप्लीट होती है चाहेंगे तो सेंक्शन कर देंगे, आपको सेंक्शन करना पड़ेगा। 11-12 इफ सच एम्प्लॉई इज रिलिंक्विश्ड चार्ज एट ऑल स्टेशन ऑन द ईव ऑफ द हॉलीडे हॉलीडे हॉलीडेज एंड रिपोर्ट द न्यू स्टेशन ऑन द फोरनून ऑफ द डे इमीडिएटली आफ्टर द हॉलीडे द इंटरव्यू पीरियड मे बी ट्रीटेड एज टू हैव बीन अवेयर ऑफ हिज हॉलीडे एंड ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक लीव फॉर दैट पीरियड।
पे फॉर द हॉलीडे इंटरव्यूइंग द डेट ऑफ रिलीव एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग द न्यू प्लेस विल बी बॉर्न बाय द डिपार्टमेंट वेयर द रेलवे सर्वेंट ज्वाइन आफ्टर हिज ट्रांसफर। ये इश्यू भी मैंने देखा प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा आता है कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, फ्राइडे रिलीव हुआ है आपका, जैसे क्लर्क है, मान लीजिए क्लरिकल ऑफ, सैटरडे संडे बंद होता है, तो वो फ्राइडे निकल गया, सैटरडे अगले दिन आ गया वहाँ पे, लेकिन अगले दिन ऑफिस बंद है, ठीक है। या फिर इसमें जो बताया वो छुट्टी है, हॉलीडे है, एक दिन दो दिन किसी वजह से बंद है, अब वो एक दो दिन बाद ज्वाइन करेगा तो लोग बोलते हैं नहीं इसमें क्या लगेगा, एलएपी लगेगा, इसका पेमेंट क्या है, इसकी छुट्टी सेंक्शन कर। भाई इसमें बड़ा क्लियर बोला हुआ है इसमें कि आपका अगर हॉलीडे पड़ता है, ये सैटरडे संडे पड़ता है, तो आपको जो है उसके बाद में ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके लिए कोई अलग से लीव लेने की जरूरत नहीं है। पेमेंट भी जो नेक्स्ट जो दौरान का जो पे भी होगा पुराना वाला नहीं देगा। दो इश्यूज बताइए, उस दौरान क्या लगेगा तो इशू है, फिर दूसरा ये पे कहाँ तक बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपने जहाँ से पे किसी भी कर्मचारी का बिटवीन जो पीरियड बनता है, आपका जो पे पीरियड होता है, उसमें पुराना जो हेडक्वार्टर है वो पे वहीं तक बनाएगा जहां तक आपने चार्ज हैंड ओवर किया। अगर मान लीजिए 10 तारीख को आफ्टरनून चार्ज हैंड ओवर किया है आपने, तो 10 तारीख तक का ही पे आपका पुराना हेडक्वार्टर बनाएगा। और एक बार चार्ज आपने हैंड ओवर कर दिया 10 तारीख को, 11 तारीख से वो आपका एम्प्लॉय नहीं है। ये मैंने डीआर रूल में भी बताया था कि अगर 11 तारीख के बाद वो एब्सेंट होकर बन जाए तो डीआर चार्जशीट कौन देगा उसको। तो आपका जो बंदा था 10 तारीख को रिलीव हो गया, यानी आपकी कहानी खत्म। अब 11 तारीख से जो भी पेमेंट का मामला होगा वो नया हेडक्वार्टर बनाएगा, इंक्लूडिंग अगर आपको चार्जशीट देनी है तो नए स्टेशन का डिसिप्लिन होता ही उसका रहेगा, पुराना वाला नहीं रहेगा। ऑन डिपुटेशन आउटसाइड रेलवे एंड ऑन डिपुटेशन टू रेलवे, डिपुटेशन के मामले में क्या रहेगा बताया हुआ है कि डिपुटेशन में दोनों मामले बताएं कि कोई कर्मचारी जो है हमारा वो बाहर गया हुआ है डिपुटेशन में, या बाहर का कर्मचारी कोई हमारे यहाँ पे आया। रेलवे सर्वेंट ज्वाइन सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस सर्विस और अदर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग देयर ओन सेपरेट रूल्स इन दिस रिगार्ड टू ज्वाइन टाइम विल बी गवर्न्ड बाय दोस। अगर रेलवे कर्मचारी है वो दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस सर्विस और कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में गया है, एक तो मैं बता दूं आपको, कई लोगों को डेपुटेशन का मतलब शायद कहीं आइडिया नहीं होता डेपुटेशन क्या होता है। हिंदी में इसको इतर सेवा बोलते हैं। इतर सेवा क्या होती है, साउथ वाले समझ नहीं पाएंगे। मेरा जो इंटरप्रिटेशन इतर सेवा में डेपुटेशन का मतलब ये होता है कि आपका एम्प्लॉयर चेंज हो गया। हम अभी रेलवे एम्प्लॉय है, रेलवे बोर्ड हमारा एम्प्लॉय है, रेलवे हम कर रहे हैं समझने सरल भाषा में समझने के लिए। और अगर आपका जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, हालांकि सरकार तो एक ही, रेलवे में भारत सरकार है, लेकिन यहाँ रेलवे के फंड से पैसा आ रहा है, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे फंड से पैसा आ रहा है, डिफेंस में डिफेंस का पैसा आ रहा है। तो अभी हमारा जो है मिनिस्ट्री रेलवे हमारा करता है, तो हमारा जो इमीडिएट जो एम्प्लॉयर है वो चेंज हो जाता है उसमें डेपुटेशन के अंदर, उसको हम ऐसा समझ सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में वहाँ सरकार अलग है, तो हमारा इमीडिएट एम्प्लॉयर जिसके हम अंडर काम करके दूसरे एम्प्लॉयर के अंडर में हम जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा समझने के लिए मैं बताया हूँ, मैं तो ऐसे समझता हूँ, इससे चीजें जल्दी समझ आती है। तो डेपुटेशन उसको बोलते हैं। और इसमें कहा गया है कि सेंट्रल में और डिफेंस में कई ऑर्गेनाइजेशन रहता है तो वहां के जो नियम है वो लागू होंगे इसमें। और सिमिलरली एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर्म फोर्सेस पर्सनल एंड दोज पेड फ्रॉम द डिफेंस एस्टिमेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड टू द पोस्ट इन रेलवे विल बी गवर्न्ड बाय द इंस्ट्रक्शन कंटेंट हियर इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइन टाइम अनलेस डिफरेंट प्रोविजन एक्सप्लिसिटली मेड इन द टर्म्स ऑफ डिपुटेशन फॉरेन एक्सचेंज सर्विस। इसमें क्या है कि दूसरे हमारे जो कर्मचारी वहां जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तो वहां के उनके नियम लागू होंगे, और सिमिलरली दूसरे जो कर्मचारी आएंगे उनके ऊपर हमारे जो ज्वाइन टाइम के नियम लागू होंगे। हाँ, अगर कोई अलग से कोई हमारे को एग्रीमेंट हुआ हो, नियम हो, उसके अलग अलग उसमें कुछ अलग बात लिखी हो तो अलग बात है, बाकी नॉर्मली हमारे नियम लागू होंगे इसमें कहा गया। 13 नंबर बोला है कि ऑफिसर एंड पर्सनल ऑफ द रेलवे इंजीनियर यूनिट ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी व्हेन एम्बोडीड फॉर मिलिट्री ड्यूटी इन एड ऑफ सिविल पावर मिलिट्री पावर मे बी अलाउड ज्वाइन टाइम अंडर द रेलवे रूल्स एप्लीकेबल टू द रेलवे ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज कंसर्न इन टर्म्स ऑफ ईयर 88 द फैसिलिटी ऑफ ज्वाइन टाइम विल बी एडमिशन टू ऑफिसर एंड पर्सनल आफ्टर दिस एम्बोडमेंट। यानी जो एम्बोडमेंट में जाते हैं उनको भी ज्वाइन टाइम का प्रोविजन दिया हुआ है, और जब वापस आएंगे तो वापस उनको मिलेगा, दोनों में मिलेगा, ये बताया हुआ टेरिटोरियल आर्मी के जो बंदे के लिए। अभी वैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि टेरिटोरियल आर्मी लगभग जो हमारे 6 यूनिट्स थे उसमें से 5 यूनिट बंद हो गए, सिर्फ आपका एक जमालपुर ही है, तो लगभग लगभग हमारा टेरिटोरियल आर्मी का भी जो चैप्टर क्लोज जैसा लग रहा है इसमें। 14 नंबर बताया कि व्हाइल रेफरेंट टू दिस सर्कुलर द ओरिजिनल लेटर रेफर टू हियरिन शुड बी रीड एज प्रॉपर अप्रिशिएशन द सर्कुलर इन दिस दिस सर्कुलर इज ओनली ए कंसोलिडेट फॉर इंस्ट्रक्शन इश्यू सो फार एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूट टू द ओरिजिनल इन केस ऑफ डाउट द ओरिजिनल सर्कुलर शुड बी रिलाइड अपॉन एस अथॉरिटी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रेलवे बोर्ड ने लिखी है, लोग इसको बड़ा कैजुअल लगता है। मैं आपको बता दूं, मेरा जो इंटरप्रिटेशन है, जितने भी मास्टर सर्कुलर निकले हुए हैं उसको जरूर पढ़ना चाहिए, थोरली काफी बातें की है। लेकिन मास्टर सर्कुलर जो होता है सिर्फ एक कंपाइलेशन होता है। कंपाइलेशन, जैसे मैं भी कई बार कंपाइलेशन करता रहता हूँ, वो कंपाइलेशन में हो सकता है कोई सर्कुलर रह गया आपका, कोई और कई टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो ये सरकार मास्टर सर्कुलर हमेशा एक ही बात बोलता है कि ये सिर्फ एक कंपाइलेशन है। आपको अगर लगता है कि कहीं दूसरा सर्कुलर भी है तो आपको वो पढ़ना है। ये अथॉरिटी नहीं है, प्रॉपर अथॉरिटी, ये सिर्फ एक कंपाइलेशन है आपकी जानकारी में, जितने सारे सर्कुलर को निकले हुए एक एट ए ग्लास आपको सारे सर्कुलर को एक साथ, जैसे अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले, मैंने एक वीडियो बनाया था अलाउंसेस के ऊपर, तो अलाउंसेस को भी सारे सर्कुलर को एक साथ इकट्ठा करके निकाल दिया। हो सकता है कोई सर्कुलर है उसमें उसका अपडेट वाला निकाल दिया हो, उसमें ले गया, तो उसका मतलब नहीं कि उसमें डाला वही आपको अप्लाई करना है। आपको तो बोर्ड ने बोला है कि जो भी लेटेस्ट जो सर्कुलर है वो आपको अप्लाई करना है। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि इतना है आपके पास, इतना तो हम दे रहे हैं, आगे आप देख लो जो भी है। दूसरा, इसमें 14, द इंस्ट्रक्शन कंटेन्ड इन द ओरिजिनल सर्कुलर रेफर टू हैव ओनली प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू अनलेस स्पेसिफाइड इंडिकेट। इसमें ये बोला है कि जो सर्कुलर है, नॉर्मली मैं बता दूं आपको, कोई भी सर्कुलर है इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी। तो हमेशा कोई भी सर्कुलर रेलवे बोर्ड का निकलता है उसका इफेक्ट उसी दिन से माना जाएगा जिस दिन से इश्यू हुआ है, यानी प्रोस्पेक्टिव डेट आएगा, और बैक डेट से ये रेस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा जब तक कि रेलवे बोर्ड ने बोला है कि इसका बेनिफिट पीछे से दिया जाए। जैसे मैंने आपको बताया था एक अपग्रेडेशन ग्रुप सी में बताया था, तो ग्रुप सी के अपग्रेडेशन में भी रेलवे बोर्ड पेमेंट देने की बात नहीं कही कि उनको जिस दिन से 1/12 से पेमेंट देना है। अपग्रेडेशन के अंदर एक चीज जो मेरे बताने रह गई थी, मेरे ख्याल से उसके अंदर अभी पिन पॉइंटिंग के बारे में भी नहीं बताया बोर्ड ने, उस दिन शायद मैं रह गया बोला कि आपका लेवल 7 और लेवल 8, सॉरी लेवल 8 और लेवल 9, लेवल 7 तो हमारा है, तो लेवल 7 से जो पोस्टें अपग्रेड की जाएगी लेवल 8 और लेवल 9 में, उनका पिन पॉइंटिंग करना है या नहीं करना है वो बात रह गई। जैसे मैंने बताया ना कि रजिस्ट्रेशन का नियम आता है उसमें सारे पिन पॉइंटिंग का भी पॉइंट आता है, ये इसमें मिसिंग है इसमें। तो मेरा ये इसमें व्यू था कि पिन पॉइंटिंग जो है लेवल 8 में आएगा 4800 में, क्योंकि नेक्स्ट है, तो पिन पॉइंटिंग कैसा करना है वो एक इश्यू, इस पर भी शायद मेरे क्लियर आएगा बोर्ड में। लेवल 9 तक का जहाँ मेरा मानना है, देखता हूँ मेरा इंटरप्रिटेशन कितना सही जाता है, रेलवे बोर्ड बाद में निकालेगा, कि लेवल 9 चूंकि नॉन फंक्शनल पोस्ट है, तो मेरा ये मानना है कि आपको पिन पॉइंटिंग सिर्फ लेवल 8 में करना है, लेवल 9 में नहीं करना है। क्योंकि जैसे हमारे ऑफिसर में होता है 4800, फिर हमको लेवल 10 मिलता है, तो जहाँ वही वही रहता है हमारा, कोई ट्रांसफर उसमें नहीं होता है। इवन एक फार्मासिस्ट में देखा, फार्मासिस्ट के अंदर भी 2800 4200 है, हालांकि उसमें कॉमन कैडर कॉमन आता है और उसमें सेलेक्शन भी नहीं होता सीधा, इमिडिएटली हम 2 साल उत्तम दे देते हैं, और हमारे उसमें सेलेक्शन होता है और आपकी इसमें भी सेलेक्शन है, लेकिन इसमें मेरा मानना है कि नॉन फंक्शनल है। तो पिन पॉइंटिंग का जो एक प्रोविजन जनरली रजिस्ट्रेशन में देते हैं कि पोस्टें हम बढ़ा रहे हैं तो क्या करना है, तो इसमें बोर्ड ने अभी पिन पॉइंटिंग का भी नहीं बताया, तो मेरे ख्याल से उसके लिए क्लियर बोर्ड का आएगा, जिसमें मेरे को जो उम्मीद यही है कि आपका लेवल 7 टू लेवल 8 में पॉइंट पॉइंटिंग करना है और लेवल 8 से 9 में नहीं करना है, ऐसा मेरा विचार है। शायद बोर्ड निकालेगा, जब तक बोर्ड नहीं निकालता है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करे क्या करना है, मैंने अपना व्यू रख दिया। तो ये हमारा हो गया। लास्ट इसमें लिखा हुआ है, इफ एनी सर्कुलर ऑन द सब्जेक्ट विच हैज नॉट बीन सुपरसीटेड हैज नॉट बीन टेकन इन टू कंसिडरेशन इन प्रिपरेशन विद कंसुलेट लेटर, इफ एनी सर्कुलर ऑन द सब्जेक्ट विच हैज नॉट बीन सुपरसीटेड हैज नॉट बीन टेकन टू कंसीडरेशन द प्रिपरेशन ऑफ कंसुलेटर, द सेट सर्कुलर विच हैज नॉट बीन मिस्ड थ्रू सेट शुड बी ट्रीटेड एज वैलिड। मैंने वो बता रहा था वही बात इसमें बोली कि कोई सर्कुलर रह गया हो तो उसको ओवरसाइट की वजह से, तो उसको ऐसा नहीं कि वो वैलिड नहीं है, वो भी वैलिड है। तो मेरा जी यहाँ पे ज्वाइन टाइम पूरा खत्म होता है, और मैं एक चीज और मैं बता दूँ उसको, मैंने एक ज्वाइन टाइम के ऊपर ये चैप्टर हमारा, जैसे 11 है RC IRC Part 1 11 चौथा, इसका भी मैंने बनाया हुआ, इसका हिंदी वर्जन भी मैंने निकालने की कोशिश की है हिंदी वालों को, इसको मैं अपना डिस्क्रिप्शन पर लगा दूंगा, तो आप इसको दे सकते हैं, और ये हमारे ज्वाइंट टाइम, ये दोनों मैं आपकी डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा। नयनकुंडा में अंदर की बागा अधाई नमो और कुंचो नैनो, अंदर की कंप्लेंट उसने की फॉन्ट चार चन्ना का नए कुंचो, तो नैनो कुंचो फॉन्ट साला पैदा जैसे ना ये ना वीडियो अलग होंगी कौन से चप्पन ना को। कई लोगों को शिकायत थी कि सर फोन छोटे हैं दिख नहीं रहे, तो मैंने थोड़ा सेटिंग थोड़ा चेंज किया इस बार, तो ये जरा देखिएगा इस बार आपको, कई लोग मोबाइल में मैंने देखा काफी, मैंने बोला कि मोबाइल में मत देखिए, फिर भी कई मोबाइल में देख रहे हैं और मेरे को कंप्लेंट करते हैं, तो मैंने मैंने कहा चलो ठीक है, अब पढ़िए कैसे ही पढ़े। तो
अभी मैं तो ये कहूंगा कि आप मोबाइल में ना पढ़े, कंप्यूटर पढ़े, उसमें अच्छे समझा, लेकिन ठीक है आप मोबाइल देखते हैं, तो मैंने कोशिश किया फॉन्ट इसमें बड़ा किया, तो बताइए कैसा वीडियो है। और एक वीडियो में इस बार नया एक बात डालना चाह रहा था मैं, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे इस पर कमेंट कीजिए, बिल्कुल सब्जेक्ट से हटके है। आजकल जैसे मैसेज आते हैं कि ओटीपी शेयर ना करें और बैंक में काफी फ्रॉड हो रहे हैं, उसमें मैं बस 2 मिनट आपको लूंगा, 2-4 मिनट किसी का फायदा हो जाए उसमें। कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कई बार फ्रॉड हो रहे हैं कि हमारे जो है हमने ओटीपी को शेयर नहीं किया, उस पर मेरा खुद का एक व्यू है, जस्ट मैं शेयर करना चाहूंगा, मौका मिला आप लोगों को बात करने को। कि मेरा ही मानना यह है कि बैंक से अगर पैसा आपका जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है, लेकिन हमको मालूम नहीं होती। जैसे मैंने बताया पढ़ने में भी हम कहाँ कमी कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई कैसे करनी है, तो मेरे कुछ व्यूज है तो मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार हम जाने अनजाने में कई काम करते हैं जो हमको नहीं मालूम है। ये अभी जो बता रहा हूँ ये प्योरली मेरा व्यू हो सकता है गलत हो, लेकिन मैंने सोचा श्योर कर लूँ। आजकल जैसे अमेजन वगैरह आता है तो अमेजन ओटीपी देता है, और हम जल्दी जल्दी में जैसे अमेजन का आदमी बाहर खड़ा हो रहता है तो बोलता है सर ओटीपी आ जा दे दीजिए, हम फटाफट ओटीपी दे देते हैं। अभी रिसेंटली तो मेरे को, मैं ऑफिस में था, उसका फोन आया कि सर मैं रास्ते में हूँ, बस मुझे ओटीपी दे दीजिए, फटाफट मैं लेके निकल जाऊंगा। तो इस तरह की जल्दी जल्दी घटना होती है, तो मैंने उसको दिया नहीं, मैं कहने आप घर पहुंचिए। और ओटीपी में क्या गलती करते हैं बता रहा हूँ, जनरली कोई भी ओटीपी मांगता है तो हम जल्दी से उसको ओटीपी फटाफट से दे देते हैं कि जैसे अमेजन वाला है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ओटीपी जब देते हो तो हमारे बैंक की इनकी एक अच्छी आदत होती थी, तो ओटीपी लिखा रहता है कि ओटीपी किस लिए ओटीपी है। हो सकता है कि अमेजन का ओटीपी भी आया और कोई फ्रॉड जो है उसी टाइम पे उससे मिलके वो अपना बैंक का पैसा निकालने के लिए ओटीपी दे रहा हूँ। तो आपसे मेरा एक सजेशन था कि जब ओटीपी दिए जा रहा है उसको जल्दी मत कीजिए, पढ़िए कि ओटीपी किस लिए मांगा जा रहा है। ये मेरा मानना है कि ओटीपी किस लिए मांगा जा रहा है, 2-3 ओटीपी कंफ्यूज मत कीजिए कि आपने दे दिया। तो ये मेरा कुछ कहना था, सजेशन था कि ओटीपी जो है किसके लिए वो देख के ही दीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। कोई भी कई बार ऐसा बोलते हैं कि सर आपका ये बंद होने वाला है, आपका मोबाइल बंद होने वाला है, आपका जल्दी से आप दीजिए, तो कभी भी इस तरह के मैसेज में मत दीजिए। एक मैसेज दूंगा कि कई बार स्कीम आती है आपको कि सर ये फ्री दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, उसके बारे में मुझे एक बोलना है कि जिंदगी के अंदर आपको कोई फ्री में कुछ देगा तो आपको माँ बाप देंगे, इसके अलावा कोई इंसान फ्री में नहीं देगा। माँ बाप से कोई चीज मिलती है वहां कोई स्वार्थ नहीं होता है, वहां आपको बिल्कुल अच्छी नीयत होती है। इसके अलावा दुनिया में खासतौर से जो बाहर से जो ऑनलाइन SMS आ रहे हैं, ये लोग हर आदमी बिजनेस करने के बैठा है या लूटने के लिए बैठा हुआ है, धोखा देने के लिए। एक दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि मुझे फ्री में कुछ नहीं देना, मैंने कर रखा है। कभी मैसेज आएगा सर ये कुछ मुझे लेना ही नहीं, बोले सर फ्री में है कुछ, आपको ओटीपी नहीं देना, आपको कुछ नहीं करना, बस अभी ले लो मुझे नहीं चाहिए। जिस दिन आपने दिमाग बैठा तब आपके लूटने की संभावना कम हो जाएगी कि आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बातें से बातें फंसा देंगे, कहीं करेंगे। तो आप शुरू में सीधा मना कर दीजिए कि मुझे किसी का नहीं लेना। सिंपली दूसरी चीज करप्शन काफी है, उसमें भी सबको अच्छे अच्छे लगते हैं नोट। सिर्फ उससे जिस दिन मैं रेलवे में आया था उस दिन मैं सोच रखा है कि मुझे करप्शन जो सैलरी में पैसा आता है वही लेना है, कहीं से कुछ बात ही नहीं करनी, कोई पैसे की सीधी बस मुझे, उसमें आपको उस फील्ड में एंटर ही नहीं होना है। तो आप पहले से फिक्स कर लीजिए आपको कि भाई हमको ये नहीं करना है, फ्री में कुछ भी दे रहे हैं सर ये क्लिक करो, बस हमको जाना ही नहीं उसमें, वो फील नहीं आता। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात जिसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा लिया, जो मेरे दिमाग में बात आई थी कि हमारा एक मोबाइल फोन ये होता है, मोबाइल फोन मैंने अक्सर देखा है स्कीम आती है कि मोबाइल फोन चेंज कर दो और नया मोबाइल ले लो, और अमेजन में भी एक्सचेंज ऑफर देता है। रिसेंटली मेरे लड़के ने भी लिया है, बता दो आपको बड़ा अच्छा डिस्काउंट मिला 7,000 रुपये, तो जो 30,000 का मोबाइल था डिस्काउंट फिर क्रेडिट कार्ड का फायदा करते करते 18,000 मिल गया। मेरा इसमें एक पर्सनल व्यू है, ठीक है वो छोटा बच्चा है, मैं लिया, मैं अपना मोबाइल कभी भी एक्सचेंज रेट में नहीं देता हूँ ना कभी दूंगा, मैं उसको फेंक के तोड़ दूंगा, लेकिन मैं उसको किसी नहीं दूंगा। क्यों क्यों उसके लिए मेरा व्यू है उसका शायद गलत हो। हम आजकल मैं बता दूं, हम जो आजकल कंप्यूटर चालू करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, अभी मैं यूट्यूब में वीडियो बना रहा था, उससे मुझे एक चीज आइडिया है कि हम जब भी वीडियो बना रहे हैं तो हमारा एक लॉगिन आईडी, जैसे मोबाइल ना खरीदते हम हमारा एक यूट्यूब ईमेल आईडी मांगता है, वो कंप्यूटर में भी हम लॉग इन करते हैं, नया सॉफ्टवेयर लेता है लॉग इन आईडी मांगता है यूट्यूब हर चीज में, तो मेरा ये मानना है। और आजकल क्या होता है हर चीज ऑटोमेटिक सेव करते रहते हैं पासवर्ड वगैरह, और मोबाइल में तो ऑटोमेटिक खुल जाता है चीजें पासवर्ड डाला, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके जो आईडी है गूगल वगैरह में सेव हो रही है। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और हम पुराने जमाने के लोग भी हैं, ज्यादा हमको आईडी नहीं मालूम, लेकिन थोड़ी चीज मुझे इतनी समझ में आती है कि वैसे ये तो आपको मालूम है कि हमारा हर चीज गूगल देख रहा है, हमारा मूवमेंट वगैरह, हम गूगल का फोन यूज कर रहे हैं, तो हम पूरे हिंदुस्तान में किस टाइम पे किस जगह पे हम सबको मालूम है,
हर चीज आपको दी, और आपको जो मालूम है वो मेरे से 1% भी नहीं है, 99% ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो हमको मालूम नहीं। तो मेरा से इतना सजेशन है कि आप जो कंप्यूटर अपना बेचते हैं कभी निकालते हैं सेकेंड हैंड में या मोबाइल में, हो सकता है आपकी काफी सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन वो शायद निकल जाती है। पासवर्ड हमारे होते हैं बैंक के, मेरा एक मानना है व्यू ये है कि हर इंसान जो पासवर्ड रखता है उसका एक तरीका होता है पासवर्ड, मेरा है मैं अपना एक तरीका होगा, किसी इंसान हर इंसान का अलग होता है। तो आप जो पासवर्ड होता है क्रैक करता हो एक्सपर्ट, वो आपका चेक कर लेता है कि इसका किस तरह का पासवर्ड बनाने का तरीका है, उस तरीके से वो गैस भी करता है। तो ये लोगों के ग्रीवेंसेस रहती है सामने, ओटीपी मैंने ओटीपी तो नहीं दिया, नहीं अभी किस तरह की चीजें की आपने, शायद हो सकता है कि अमेजन वालों को दे दिया है, ये आप मोबाइल आप बेच दिया आपने कि यार 5,000 ये मोबाइल है, मान लीजिए मैं 10,000 में लिया है 5 साल पहले, अभी मुझे लगता है इसको 1,000 रुपये निकली, कोई अगर 3,000 दे रहा बड़े खुशी खुशी दे देते हैं, लेकिन आप 3,000 रुपये दे रहे हो लेंगे इसकी वजह से होता है वो आपको लाख, होता है वो आपके लाख बैंक में 5 लाख जमा हो, 5 लाख निकाल लेगा। मेरा एक पर्सनल व्यू है, मैंने तो अपने लिए सोच रखा है कि मैं अपना मोबाइल जो यूज करता हूँ मैं कभी किसी को बेचूंगा भी नहीं दूंगा भी नहीं, ये मैं एक शेयर करना चाहता था। ये मैंने नया सब्जेक्ट एक लिया है पढ़ाई सेट की, ये टॉपिक इस तरह लेना, इस पे आप अपने विचार प्लीज जरूर बताएं कि कैसा है, अगर ऐसा आपको अच्छा लगे तो मैं इस तरह के कुछ मेरे विचार में और शेयर करूंगा पढ़ाई के अलावा। एंड तेलुगु वाल की ना वीडियोस ने आई होप मैं अंदर के नचना है मेरे, प्लीज कमेंट चेस्ट रही। और एक बात तो मैं बोल रहा हूँ कि लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काफी मेहनत लगती है, थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब काफी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस अगर आपको सही में अच्छे लगते हैं तो आप शेयर कीजिए लोगों को, ताकि लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। और रेलवे में काफी जो हम काम करने में गलतियां करते हैं, मेरी बस एक इच्छा है वीडियो बनाने के लिए कि हम रेलवे में सही काम करें तो ज्यादा काम होगा हमारे। रेलवे में देखा मैक्सिमम हम गलती करते हैं, फिर उसका कोई निकाल रहे हैं, फिर उसी में फाइलें चलती है तो डिले होता है। तो अगर हम सही काम को सही तरीके से करेंगे तो काम जल्दी भी होगा और ज्यादा लोग फायदा होगा। तो मेरा ये मेहनत करने का एक ही रीजन है कि मैं चाहता हूँ रेलवे में सही काम हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं मेरे, जितने वीडियो उसको आप प्लीज सर्कुलर करें, ताकि